हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस ऑफिशियल और आज के वीडियो में आप देखेंगे एक टैबलेट और इंजेक्शन का रिव्यू, उसके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, ये है क्लेंडानॉल 300 क्लेंडामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल से ये, और क्लेंडामाइसिन है एंटीबायोटिक। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केटेड बाय नॉल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसका जो प्राइस है मार्केट में देख सकते हैं MRP 242.76, ठीक है। तो ये है कुछ 250 रुपये के आसपास की टेबलेट पर 10 कैप्सूल्स। 10 कैप्सूल्स आती हैं इसमें, ये देख सकते हैं इसका साइज़ कैप्सूल का, ठीक है। और इंजेक्शन भी आप देख सकते हैं इसमें, मैंने सेम मतलब कंटेंट है इसका, क्लिंडामाइसिन है फॉस्फेट इंजेक्शन, रैपिड यूज़ के लिए रहता है ये। अगर आपको गोली नहीं खा रहे हैं आप, तो ये इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस इंजेक्शन है जो कि एक एम्प्यूल में 4 ml रहते हैं इसमें, ठीक है। 4 ml का क्वांटिटी है और ये 600 मिलीग्राम, मतलब इसमें जो कंटेंट है क्लिंडामाइसिन का 4 ml में 600 मिलीग्राम कंटेंट है, ठीक है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मा कंपनी, मेडिजिया बायोटेक है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप और ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें कंपोजिशन लिखा हुआ है, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है इसके अंदर, 150 ग्राम है मिलीग्राम, बेंजाइल अल्कोहल मिला हुआ है एंड वाटर फॉर इंजेक्शन जो कि डिस्टिल वाटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोसेज इज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन एंड इफ़ एनी फॉरन पार्टिकल इज़ विजिबल इन द सोल्यूशन प्लीज़ डू नॉट यूज़ द सोल्यूशन, तो वो वार्निंग है जो भी आपको लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इसका दोनों टेबलेट्स जो भी है, टेबलेट्स और इंजेक्शन का कंटेंट सेम है क्लिंडामाइसिन। तो इसमें मैं आपको ट्रेड नेम बताना चाह रहा हूँ कि क्लिंडा फिट के नाम से आता है बाज़ार में, और क्लिंडानॉल टैबलेट्स के फॉर्म में आएगा, और अलग भी ट्रेड नेम आ सकता है, ठीक है, अलग अलग मेडिकल स्टोर पे पैरी कर सकता है। इसमें यूज़ क्या है इस टैबलेट का और इंजेक्शन का, ठीक है। क्लिंडामाइसिन यूज़ किस में करते हैं, क्लिंडामाइसिन जो है वो सीवियर इन्फेक्शन को रोकेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक है, खास बात तो ये है कि एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा, ठीक है। और ये वायरस पर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक जो है वो खासकर बैक्टीरियल के लिए रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, जॉइंट इन्फेक्शन है, या कोई भी स्वेलिंग हो रही है, निमोनिया हो रहा है, और मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, कान में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, पस बन रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये है क्लिंडामाइसिन, ठीक है। मान लो स्किन पर कुछ रैशेस हो रहे हैं या फिर कुछ मतलब फोड़ा टाइप कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी ये टेबलेट है, ठीक है, आपको इन्फेक्शन से बचाएगी ये। एंड अगर इसका यूज़ मतलब आप मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर कोई भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको टेबलेट लेने के बाद, इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली देखे जाते हैं वो है उल्टी आएगी आपको, नौजिया होगा, वॉमिटिंग है, ठीक है, और छाती में जलन हो सकती है, सीने में जलन, और वेजिनल डिस्चार्ज जो कि थिक और वाइट वेजिनल डिस्चार्ज निकलेगा, ठीक है, और पेट में गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको डायरिया है तो आपको ये लेना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर बहुत ही मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं और तो उसको आप लेना बंद करें। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं आप, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो औरतों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप उसको डॉक्टर के सलाह से ही लें, ठीक है। अगर आपको पुरानी कोई लिवर डिसीज़ है या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है पहले से, तो आप पहले डॉक्टर का मतलब बता दें, उसकी डॉक्टर की सलाह से ही सारी चीज़ें लेना है आपको, ठीक है। ये वीडियो तो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको एक एक टेबलेट या मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन सही हो जाए, ताकि आपको मेडिकल स्टोर पर जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको ये जनरल नॉलेज के लिए टेबलेट रिव्यू की मतलब वीडियो बनाया गया है, तो ये सब देख सकते हैं आप।
आई होप इंजेक्शन और टैबलेट का रिव्यू आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मिली आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोज़ सुबह शाम ले सकते हैं नॉर्मल डोजेस का, ठीक है, ये 2x1 जो लिखा है, मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। और इंजेक्शन जो है वो आपको 1 बार दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप, और एक इंजेक्शन की जरा प्राइस देख लेते हैं हम कितने का है। प्राइस है दोस्तों इसका 390 रुपीज़, ठीक है, 390 रुपीज़ का इंजेक्शन है ये। तो देख सकते हैं टैबलेट और इसकी कीमत लगभग सेम है, मतलब सेम तो नहीं है, मतलब 100 रुपये का अंतर है, लेकिन इंजेक्शन थोड़ा ज़्यादा रैपिडली काम करता है, ठीक है, इसलिए लिया जाता है। एंड ये ओरल के लिए टैबलेट है। तो आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए, ठीक है।